मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब मस्ती कीजिए, खूब एंजॉय कीजिए, आराम से खेलिए, बस चोट ना लगे, किसी को तकलीफ ना हो, एंजॉय कीजिए, क्योंकि साल में एक बार त्यौहार आता है, पूरे मन से मनाइए इसको, ठीक है? तो आप लोग की होली की छुट्टियां हैं, मेरी छुट्टियां नहीं है, तो मैं वहीं पे हूँ अपने काम पे, तो आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। आज हम लेकर आए हैं फार्मास्यूटिक्स, डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके लेक्चर सीरियल वाइज अपलोड है प्लेलिस्ट में। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं, जिसका नाम है कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस। यानी आप जानते हैं सौंदर्य, ठीक है? तो अब कॉस्मेटिक बेसिकली ये चैप्टर जो लड़कियां हैं उनको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि उनको बड़ा ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और लड़के जो कि सुविधा संसाधन संपन्न हैं, जिनके पास ऑलरेडी हैं, वो भी इसको समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दिलाया होगा काफ़ी, तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करते हैं जो कॉस्मेटिक है वो किस शब्द से मिलकर बना है। वो ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना है, कॉस्मिकोस का, जिसका मतलब होता है मीन टू एडॉर्न। एडॉर्न का मतलब होता है सौंदरता बढ़ाना, यानी अपने आप को सुंदर दिखने के लिए हम जो भी चीज़ लगाते हैं वो क्या है? कॉस्मेटिक। अब हम भी सुंदर दिख सकते हैं, आप भी दिख सकते हैं, मैं तो फिलहाल बहुत हूँ नहीं, तो इसलिए मैं बहुत कोशिश भी नहीं करता हूँ। आप सब बहुत अच्छे हैं, तो आप लोग इसको यूज करके आप अपने आप को और खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए क्या करना है आपको, बस एज पर आपको स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना है, क्योंकि मैंने बहुत आसान लैंग्वेज में इसको रेडी किया है खुद से। तो आपको बस नोट्स बनाना है और इसको समझते जाना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर अगले 10 मिनट में खत्म होने वाला है। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो क्योंकि कॉस्मेटिक्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, 1945 में आया था, तो उसमें कॉस्मेटिक को हम डिफाइन कैसे करते हैं उसका डेफिनेशन समझ लीजिए। कॉस्मेटिक इज डिफाइंड एज एनी आइटम इंटेंटेड टू बी द रब्ड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड ऑन, इंट्रोड्यूस्ड इन टू द अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी और एनी पार्ट ऑफ द क्लिंजिंग, प्रोटेक्टिंग, ब्यूटिफाइंग, प्रमोटिंग अट्रैक्टिवनेस और एल्टरिंग द अपियरेंस। ये है डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है? तो कॉस्मेटिक की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी ऐसा संसाधन या कोई भी ऐसी वस्तु जिसको मनुष्य के शरीर के ऊपर रगड़ा जाए, छिड़का जाए, लगाया जाए या किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य या तो सफाई है, या तो सुरक्षा है, या तो आकर्षण है, या आकर्षक सौंदर्य को बढ़ाना है, उसे बोलते हैं कॉस्मेटिक। ये लंबी डेफिनेशन है और ये सुप्रीम डेफिनेशन है हमारी, तो क्योंकि ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग है, तो हमको संविधान वाला ही बात याद करना होगा। अब हम बात कर लें कि सौंदर्य जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है उसको यूज करने की क्या जरूरत है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं। तो फ्रेंड, पहला फंक्शन है मेंटेन बॉडी हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है? तो अगर प्रॉपर अगर हम यूज़ कर रहे हैं कॉस्मेटिक्स, तो उससे हमारी पहली बात तो स्किन और बॉडी की जो हेल्थ होगा और साफ सफाई इम्प्रूवमेंट होती है। अवॉइड प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन, जो हम लोग समय से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं वो नहीं दिखेंगे, आप अनिल कपूर हो जाएंगे, 55-60 साल की उम्र में भी जवान दिखेंगे। यानी आपकी एजिंग फैक्टर जो बुढ़ापा है वो थोड़ा सा स्किन का रुक जाता है। गिव अ सेंस ऑफ वेल बींग, आपको हमेशा अपने आप को अच्छा फील होता है। जब आप खुद को अच्छा फील करेंगे तो आपको लगेगा कि दुनिया भी आपको अच्छा फील कर रही है, एक आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस आता है, और इम्प्रूव ओवरऑल लुक्स एंड पर्सनैलिटी, और अपने व्यक्तित्व और अपने ग्रुप को थोड़ा सा हम इम्प्रूव कर सकते हैं इसका यूज करके। बेसिकली जो लास्ट की दो लाइन आपने देखी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन 3 प्रकार के होता है। एक उसके प्रयोग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूज, दूसरा उसके कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, और तीसरा उसकी स्टेट के आधार पर कि वो किस नेचर का है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कैसा है, उस नेचर के हिसाब से 3 आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। तो अगर हम पहली बात करें, हम लोग यूज की बात करें, तो कहाँ पे किस ऑर्गेन में यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पहला अगर हम स्किन के लिए यूज कर रहे हैं तो कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो स्किन में यूज करते हैं, जैसे कि क्रीम होता है, पाउडर होता है, लोशन होता है, डिओड्रेंट है, और एंटी परस्पायरेंट्स है, ये जानती क्या होता है फ्रेंड, जो पसीने को रोकता है, तो ये सब क्या है, हमारे स्किन पे यूज होता है। दूसरा, फॉर द नेल्स, अब नेल के लिए आप जानते हैं नेल पॉलिश, नेल पेंट आते हैं, या नेल रिमूवर्स आते हैं, नेल पॉलिश रिमूवर जो आते हैं, थिनर वगैरह। तीसरा होता है फॉर टीथ एंड माउथ, दांतों और मुख की सुंदरता के लिए हम क्या करते हैं, डेंटरीफाइसेस यानी टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसको डेंटरीफाइसेस बोलते हैं, और माउथ वाशेस यूज करते हैं यानी मुंह के दुर्गंध को बाहर भगाने के लिए। आई के लिए, तो ये आप लड़के तो नहीं समझेंगे, लड़कियां समझ जाएंगी, आई क्रीम्स होते हैं, आई लेसेस होते हैं, आई शेडोज होते हैं, मस्कारा होता है, आई लाइनर होता है, तो आजकल तो बड़े बड़े चीजें आ गए भैया। फॉर द हेयर्स, बालों की बात करें तो शैम्पू है, हेयर डाइज है, हेयर रिमूवर्स है, हेयर टॉनिक है, हेयर स्प्रे है, ये तो दोनों लोग यूज करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों, उनके लिए क्योंकि बराबर सुंदरता का बहुत बड़ा रीजन है।
आगे बात करते हैं कॉस्मेटिक का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, फंक्शन के आधार पर। तो पहला है थेरेपेटिक फंक्शन। थेरेपेटिक फंक्शन का मतलब जिससे हमारे बॉडी में किसी भी चीज को रोकथाम हो रही है, किसी भी बीमारी की रक्षा हो सकती है, हमारे बॉडी में कोई उसका एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जैसे कि एंटी प्रेस्पायरेंट्स एंड हेयर प्रिपरेशंस। दूसरा है प्रोटेक्टिव फंक्शन, जो स्किन को बचाता है धूप से, गर्मी से, डस्ट से, वो है हमारा फेस पाउडर। करेक्टिव फंक्शन, जो किसी भी स्किन में जो कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको सही करता है, करेक्ट करता है, उसको फेस पाउडर है। और डेकोरेटिव फंक्शन, जो सुंदर देखने के लिए होता है, वो है लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, आईलाइनर है, ढेर सारे। अब हम बात करेंगे कॉस्मेटिक्स अकॉर्डिंग टू दियर फिजिकल नेचर, उनके फिजिकल नेचर के बेसिस पे बात करें कि उनका नेचर किस तरह है। अगर वो गैसेस फॉर्म में, एरोसोल है, जैसे कि सेव लोशन या हेयर परफ्यूम्स आते हैं। केक मतलब थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, जैसे कि रब कॉम्पैक्ट, रब कॉम्पैक्ट आप जानते हैं क्या होता है, मैं आगे बाद दिखाऊंगा। जैसे एक फेस पाउडर आता है फ्रेंड ना, जो जैसे पाउडर आता है डस्टिंग पाउडर, एक फेस पाउडर आता है, वो कॉम्पैक्ट सा होता है, उसमें ब्रश से निकालती है लड़कियाँ और अपने गालों पे बेहतरीन ब्रश मार के खूबसूरत दिखती है, फिर आपको बेवकूफ़ बनाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जैसे कि इमल्शंस की बात करें तो इमल्शन में कोल्ड क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है। ऑयल नेचर की बात करें तो हेयर ऑयल है। पेस्ट की बात करें तो टूथपेस्ट है। पाउडर्स की बात करें तो टूथ पाउडर है, फेस पाउडर है। सॉल्यूशंस की बात करें तो आफ्टर सेव लोशन है, हार्ड हैंड लोशंस है। सोप की बात करें तो सेविंग सोप, टॉयलेट सोप है। और स्टिक्स की बात करें तो लिपस्टिक है और डिओड्रेंट। ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, किस स्टेट पर वो मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ फेशियल कॉस्मेटिक्स की। कौन कौन से कॉस्मेटिक्स हैं जो फेशियल हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस पाउडर है, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर है, रवगे है, कोल्ड क्रीम है, क्लिनसिंग क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, फाउंडेशन क्रीम है, आई मेकअप प्रिपरेशंस में आई शेडो है, आईब्रो पेंसिल्स है, मस्कारा है, लिपस्टिक है, ब्लीचेज है, सेविंग मीडिया में आफ्टर सेव लोशंस हैं, ब्रशिंग सेविंग क्रीम्स हैं, सेविंग सोप्स हैं, सेविंग स्टिक्स हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट हैं, जिसमें से ढेर सारे प्रोडक्ट में हमको सिर्फ 8, 7, 8 पढ़ने हैं, जो कि हमारे डी फॉर्म के सिलेबस में है एज पर PCI सेकेंड ईयर के लिए। अब हम सारे प्रोडक्ट में आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा इसको समझिए। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट कोल्ड क्रीम, ठीक है, या आपको पूछेगा कि राइट अ नोट ऑन सेविंग क्रीम, राइट अ नोट ऑन वैनिशिंग क्रीम या फेस पाउडर, तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो क्या है, दूसरा वो कहाँ पर यूज होता है, तीसरा उसमें कंपोजिशन यानी किससे किससे मिलकर बना होता है, और कभी कभी पूछता है कि वो कैसे बनाया जाता है। ये 4-5 बातों को आपको लिखते हुए 2.5 पेज भरने हैं और ये 7 से 8 नंबर के क्वेश्चन ये आते हैं। ठीक है, तो इनमें से 7-8 में से 2 या 3 क्वेश्चन आने फिक्स है आपके एग्जाम में, इसलिए इसकी तैयारी मन से करिए और बाकी बना बनाया नोट से बस इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग फेस पाउडर की। तो फेस पाउडर आप जानते हैं जो हम लोग फेस पे लगाते हैं, तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि देखो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखिएगा, फेस पाउडर इज ए कॉस्मेटिक प्रिपरेशन मेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस ऑफ द फेस। यानी फेस पाउडर कैसा प्रिपरेशन है जिसको लगाने पर हम स्किन पे लगाते हैं ताकि हमारे चेहरे की सुंदरता या आकर्षक प्रकृति है वो बढ़ती है। हिंदी वाले हिंदी में लिख सकते हैं, इट इज अप्लाइड ऑन द फेस बाय मींस ऑफ पाउडर पफ एंड प्रोवाइड विजुअल कवरिंग टू स्किन एंड इम्पेयर्ड्स। पफ आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे लड़के, नहीं जानते होंगे, एक जो होता है फोम सा होता है जिसमें उसको कॉटन टाइप का होता है, उसको यूज करते हैं पाउडर लगा के, उसको स्किन लगाने के लिए उसको पफ बोलते हैं। उसका यूज करके या हैंड का यूज करके भी आप फेस पाउडर लगा सकते हैं। अब फेस पाउडर की बात करें तो उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, तो बेसिकली फेस पाउडर में हमारे टेलकम पाउडर, कैवलिन, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, स्टार्च, कलर एंड परफ्यूम्स, इतने सारे चीज़ों से मिलकर हमारा फेस पाउडर बनता है, इसका कंपोजिशन। अब फेस पाउडर कितने प्रकार के होते हैं, लाइट टाइप के होते हैं, हमारे ड्राई स्किन के लिए यूज करते हैं बेसिकली, मीडियम टाइप का होता है जो हमारे जो जिसका स्किन ऑयली होता है उनके लिए यूज होता है, और हैवी टाइप का जो होता है वो बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन के लिए जिसका होता है उसको यूज किया जाता है। ये वाला पाउडर अक्सर जब मेकअप होता है लड़कियों का, मतलब उनकी शादी के टाइम उनको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये पाउडर का ज़्यादा यूज़ होता है, हैवी टाइप का जो स्किन पे बहुत देर तक चिपका रहता है और स्किन से निकलता नहीं है, तो एक हैवी मेकअप बोलते हैं इसको, तो उस टाइम में आपको होता है। अब आप मुझसे मत पूछिएगा कि मुझे इतनी नॉलेज कैसी है ब्यूटी पार्लर वगैरह का, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, क्योंकि मेरे जो मेरी सिस्टर्स हैं उनके चलाती है ब्यूटी पार्लर सेंटर, तो मैंने कुछ देखा है, पेडिक्योर मैनिक्योर का बहुत जानता हूँ मैं, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं कभी गया नहीं हूँ फिलहाल। अब हम बात करेंगे कि फेस पाउडर हम कैसे बनाते हैं। जनरल मेथड प्रिपरेशन की बात करें तो जो इसमें सारे इंग्रेडिएंट होते हैं और जितने भी पाउडर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उन सारे पाउडर को इकट्ठा करते हैं और 120 नंबर मेस यानी कि जो जाली वाली होती है चलनी उससे पास करते हैं, तो सारे पाउडर जो एकदम फाइन पार्टिकल वो अलग हो जाते हैं। फिर सारे पाउडर को मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसको हम बॉक्स में भर देते हैं, ये होता है। अब किसी भी एक पाउडर बनाने में क्या कंपोजिशन होना चाहिए, उसमें टेलकम पाउडर आपको 75 ग्राम लेना है, कैवलिन 5 ग्राम लेना है, चाक लेना है आपको 5 ग्राम,
जिंक ऑक्साइड लेना है 10 ग्राम, जिंक स्टेरेट 5 ग्राम, और परफ्यूम और कलर अपने हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। और आप उसको घर में या लैब में खुद से प्रोटीन आप एक फेस पाउडर बना सकते हैं, ठीक है। जो लोग बच्चे लैब कॉलेज जाते होंगे, लैब करते होंगे, उनके कॉलेज में सब बनवाया गया होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कोल्ड क्रीम की। कोल्ड क्रीम आप समझिए दो चीज होती है, एक होता है कोल्ड क्रीम, एक होता है वैनिसिंग क्रीम। और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं आपके, जितने भी जीपैट या डीपीई का एग्जाम होता है, या फिर आप ये समझिए कि जितने भी फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, इमल्सन आप जानते हैं ना, इमल्सन क्या होता है? इमल्सन दो प्रकार होते हैं, ऑयल एंड वाटर, वाटर एंड ऑयल। तो याद रखना कि पूछता है कि ऑयल एंड वाटर जो होता है वो कोल्ड क्रीम है, और वाटर एंड ऑयल जो होता है वो वैनिसिंग क्रीम है। ये चीज बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिए। तो हमारा कोल्ड क्रीम होता है वो एक तरह का ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्सन होता है। इसका डेफिनेशन क्या है? कोल्ड क्रीम इज एन इमल्सन विच व्हेन अप्लाइड ऑन द स्किन ए कूलिंग इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू स्लो इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द इमल्सन। दी आर जनरली प्रिपेयर्ड बाई इमल्सिफिकेशन ऑफ वाटर एंड ऑयल एंड वाटर। इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि ये कोल्ड क्रीम जो एक ऐसा हमारा क्रीम होता है, इसको बेसिकली जो कोल्ड क्रीम होता है वो हम अपने ठंडियों के टाइम इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ठंडियों में हमारे स्किन से जो रफ सरफेस होता है उससे वाटर्स निकलते हैं पोर से, और चेहरा खुरदुरा हो जाता है। ये हमारे बॉडी में स्किन के ऊपर काफ़ी देर तक वाटर कंटेंट को सेव रखता है, सेव रखता है, बचा के रखता है, क्योंकि वाटर्स में वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, और जिससे हमारा स्किन जो होता है वो सॉफ्ट और मुलायम बना रहता है। आगे बात करें, जो पुराने दिनों में ये बेसिकली एनिमल फैट वेजिटेबल ऑयल इस पर यूज़ किया जाता था, ठीक है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में सिर्फ मिनरल ऑयल का ही यूज होता है, ठीक है। अब इसको कैसे बना सकते हैं? तो इसके बनाने के लिए पहले आपको चाहिए फार्मूला कि हमको अगर बनाना है कोई भी कोल्ड क्रीम तो क्या क्या कंपोजिशन होना चाहिए। कंपोजिशन फ्रेंड होता है बीज वैक्स 5 ग्राम, लिक्विड पैराफिन 45 ग्राम, आपको वाइट सॉफ्ट पैराफिन चाहिए 10 ग्राम, हार्ड पैराफिन चाहिए 7 ग्राम, बोरेक्स चाहिए 0.2 ग्राम, वाटर चाहिए 32.8 ml। इतना करेंगे तो आपका 50 ग्राम क्या बन जाएगा, कोल्ड क्रीम बनेगा। उसको बनाइए और मार्केट में तला तला बेचिए, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे हैं, सबसे पहले हमारा जो वैक्स होता है, सारे वैक्स सॉफ्ट पैराफिन हार्ड पैराफिन, उन सारे वैक्स को हम वाटर बाथ में मेल्ट करते हैं, ठीक है। मेल्ट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, और हीट करने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम पैराफिन और हीट को हमारा पैराफिन उसको मिलाते हैं, और फिर बोरैक्स को डालते हैं, उसको घोलते हैं, मिक्स करते हैं। जब सारा घुल जाता है तो उसको हम ठंडा करते हैं और 40 डिग्री तक लाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसमें परफ्यूम्स प्रिजर्वेटिव ये सब डाल करें उसको हम किसी भी बॉटल में ट्रांसफर करके रख देते हैं। ये है गया हमारा बनाने का तरीका, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है और याद करना है फ्रेंड, ठीक है। अब बात करते हैं वैनिसिंग क्रीम की। मैंने बताया क्या होता है कि ऑयल अपॉन वाटर क्रीम होता है। अच्छा, वैनिसिंग क्रीम नाम कैसे पड़ा इसको समझ लीजिए। वैनिस, वैनिस मतलब होता है गायब होना या अदृश्य होना। वैनिस, वैनिसिंग क्रीम होता है क्या फ्रेंड, कि अगर आप उसको लगाएंगे तो आपके स्किन पर वो दिखेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। जैसे आप कोई भी क्रीम ले लीजिए, आप वैसलीन तो नहीं, आप उसे फेयर लवली ले लिया, कुछ भी ले लिया, आप स्किन में लगाते हैं वो दिखता नहीं है, वो गायब हो जाता है। तो वैनिसिंग क्रीम, अच्छा वो गायब क्यों होता है, क्योंकि उसमें हमारा वाटर ज़्यादा होता है, ऑयल अपन वाटर इमल्सन होता है तो वो उड़ जाता है। तो दीज आर द ऑयल अपन वाटर इमल्सन विच वेन अप्लाइड ऑन द स्किन लीव एन ऑलमोस्ट इनविजिबल लेयर ऑन हिट हैंड्स, दी आर कॉल्ड वैनिसिंग। क्योंकि जब इसको हम स्किन पे लगाते हैं ऐसा क्रीम, तो ये एक अदृश्य लेयर बनाता है, इसी को इसलिए हम उसको वैनिसिंग क्रीम कहते हैं। एट द मेन इंग्रेडिएंट यूज्ड इन द, इसमें जो बेसिकली इंग्रेडिएंट होता है वो स्टेरिक एसिड होता है, ठीक है, जो हमारे स्किन को एक पर्ली क्या होता है, वाइट स्टेनिंग हमको एक ग्लो देता है, ठीक है। इस क्रीम को हम लोग आसानी से वॉश आउट कर सकते हैं, धुल के हम लोग इसको हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो बेसिकली ऑयल फेज होता है, इसको कैसे करते हैं, उसको इसमें ऑयल फेज होता है वो ऐसा होना हो चाहिए जो हमारी बॉडी टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट हो जाए, यानी जब स्किन पे हम लगाए तो पूरी तरह से फैल सके, ठीक है। और इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड। स्टेरिक एसिड 18 ग्राम, ग्लिसरीन 3 ग्राम, लैनोलिन 2 ग्राम, और ट्राइथानोलामीन 1 ग्राम, वाटर 80 ml, प्रिजर्वेटिव 1 ग्राम, और परफ्यूम और क्या होता है क्यूएस, मतलब क्वांटिटी सफिशियंट, जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है। अब इसको बनाते कैसे फ्रेंड, तरीका क्या है? सबसे पहले स्टेरिक एसिड और लैनोलिन को लेते हैं, उसको मेल्ट करते हैं, गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, मेल्ट करते हैं, फिर उस पर क्या करते हैं, वाटर, ग्लिसरीन, ट्राइथानिलेमीन और को गर्म करके मिलाते हैं, और फिर धीरे धीरे स्टेरिक एसिड डालकर उसको हिलाते हैं लैनोलिन के साथ। फिर सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद उसमें हम परफ्यूम डालते हैं, फ्लेवर डालते हैं उसको, सॉरी परफ्यूम डालते हैं, एसेंस डालते हैं, फिर उसको मिक्स करके उसको बॉटल में या बैग में जो भी कंटेनर होता है उसमें भर के ठंडा कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड। तीसरा है लिपस्टिक, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको, लिपस्टिक यही एक ऐसा प्रोडक्ट होगा शायद जो लड़के यूज़ नहीं कर सकते, या फिर हो सकता है कुछ आजकल
टिकटॉक का जमाना है, आधे लड़के तो लड़की बनकर घूम रहे हैं, तो वो यूज भी करते होंगे, मुझे नहीं पता, कि लड़के इसको जनरली इसको यूज नहीं करते, ये बेसिकली लड़कियों के लिए होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपको जानते हैं लिपस्टिक, तो आप मैं डिफाइन क्या करूँ, आप तो सर्व ज्ञाता है ऑलरेडी इस सब चीज़ों के। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको जिसको हम अपने लिप्स पे यूज करते हैं, हम मतलब मान लीजिए मैं लड़की हूँ, लिप्स पे यूज करते हैं, और क्योंकि अट्रैक्टिव दिखने के लिए, थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए, मोस्टली वाइडली यूज कॉस्मेटिक होता है, ये वोमेंस यूज करती हैं। इट प्रोवाइड द, इसमें क्या होता है, पिगमेंट्स कलर्स होते हैं जो अलग अलग कलर्स के आते हैं। अब इसमें क्वालिटीज़ की बात करें तो लिपस्टिक के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि लिपस्टिक बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, जिसमें आपको ध्यान देना होता है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो पहला, नॉन टॉक्सिक, कोई भी जहरीला नहीं होनी चाहिए, मतलब कि पता चला होठ पे लगा और होठ को नुकसान कर गया, होठ हौसल ऑलरेडी बहुत नाजुक होते हैं। नॉन इरिटेंट, यानी उस पर कोई जलन नहीं होनी चाहिए। स्टेबल बोथ फिजिकली एंड केमिकली, वो फिजिकली और केमिकली दोनों स्टेबल होना चाहिए। और ग्रिटी पार्टिकल वाले, उसके अंदर कोई ठोस मतलब पार्टिकल नहीं होनी चाहिए, वो गड़े अगर आप स्किन पे लगा रहे हो तो तब स्मूथली लग जाना चाहिए आपके लिप्स पे, वो ग्रिटी नहीं होना चाहिए। उसमें कोई भी स्वीटनिंग एजेंट डालने की आपको जरूरत नहीं है, कि उसको थोड़ा सा आपको मीठा करना है, अभी स्वेटिंग करना है, मतलब सॉरी इसमें आपको मीठापन बात नहीं थी, एक्चुअली स्वेटिंग मतलब कि उसमें ऐसा हो कि स्वेटिंग ना हो, ठीक है, और शुड नॉट ब्रेक इजिली, आसानी से वो टूटे ना, और क्योंकि लिपस्टिक लगा रहे हैं पता चला बह रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, सस्ते वाले ऐसे ही होते हैं, ठीक है। और साइनी स्मूथ अपीयरेंस होना चाहिए, और उसमें क्या होता है, कलर बेहतरीन होना चाहिए, जैसा कलर अलग अलग वो स्टोर करना होता है आपको आसानी से, ठीक है। अब फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक की बात करें तो कैसे बनाए जाते हैं, बेसिकली तो फॉर्मुलेशन में देखिए चार मेन चीज़ें होती हैं, बीज वैक्स होता है, कलरिंग मटेरियल होता है, परफ्यूम्स होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इन चारों चीज़ों को आपस में मिक्स करके सांचे में डाल करके हम लोग लिपस्टिक बनाते हैं। तो जो बेसिस होते हैं, बेसिकली यूज होते हैं वो मिनरल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, कोका बटर ऑयल, लिनोलिन, कार्नोबा वैक्स, बीज वैक्स, ये यूज होता है। और कलरिंग मटेरियल के लिए बेसिकली टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सॉल्युबल इयोशीन है, हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव ऑफ फ्लोरोसिन है, टेट्रा ब्रोमो फ्लोरोसिन है, ये चीज़ें होती हैं जो लिपस्टिक में हमें एज ए कलर डालते हैं, यानी कि होली वाला रंग जाकर डाल दो, लिपस्टिक बना दो, फिर होएगा भैया काम चोखा, ठीक है। अगला परफ्यूम डालते हैं, क्योंकि उसकी थोड़ी सी फ्रेग्रेंस रहे, महक अच्छी रहे उसकी। और एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं ताकि वो खराब ना हो, बहुत लंबे समय तक पड़ा रहे तो खराब ना हो, जैसे बीएचए डालते हैं, बीएचए बीएचटी डालते हैं, और प्रोपाइलिन गैलेट, ये सब का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप देख लीजिए किसी भी लिपस्टिक क्या होता है, उसमें करीब आपको एक लिपस्टिक बनाने के लिए आपका कार्नोबा बैग्स 1 ग्राम, बीज बैग्स 15 ग्राम, लेनोलिन 5 ग्राम, सेटरिल 5 ग्राम, कैस्टर ऑयल 65 ml, ये मिला के हम लोग 100 ml क्या बना सकते हैं, लिपस्टिक का पूरा बेस बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सेविंग मीडिया। तो सेविंग आप जानते हैं फ्रेंड, ये बेसिकली लड़कों के लिए होता है, मैं यहाँ पर लड़कियों का नाम नहीं लूँगा कि वो लड़कियाँ यूज़ कर रही, बेसिकली जो लड़के होते हैं जो बियर्ड होते हैं, जो दाढ़ी होती है, उसको सेविंग करने के लिए अब तो फैशन आ गया है कि लोग बना भी नहीं रहे, तो उनके लिए बेसिकली ये सेविंग मीडिया होता है आपका। इसका डेफिनेशन तो आपको पता है कि क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग सरफेस पे स्किन पे यूज़ करते हैं हेयर को रिमूव करने के लिए, डेफिनेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सेविंग मीडिया बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, प्री सेव मतलब ऐसा जिसको हम सेविंग करने से पहले यूज़ करते हैं, यानी हमारा जो फोम है, जो सेविंग क्रीम है, दूसरा सेविंग प्रोडक्ट जिसको हम लोग सेविंग करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी बाल को निकालने के लिए यूज़ करते हैं, और तीसरा होता है आफ्टर सेव प्रोडक्ट जो सेविंग करने के बाद लगाते हैं। यानी हम पूरे सेविंग मीडिया को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, यानी लगाने से पहले, सेविंग करते समय और सेविंग करने के बाद, ठीक है। तो अगर आपने सेविंग किया है तो आप जानते होंगे पहले आप फोम यूज़ करते हैं, या फिर आप जो भी सेविंग क्रीम यूज़ करते हैं उसको रब करते हैं ब्रश से, तो वो आपका आपका क्या है, प्री सेविंग है। फिर आप ब्लेड का यूज़ करके उसको हटा साफ करते हैं, तो वो सेविंग है। और लास्ट में आप जो भी फिटकरी वगैरह जो भी क्रीम लगाते हैं वो वगैरह क्या है, आफ्टर शेव क्रीम है। 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा है फ्रेंड एंटीस्पायरेंट, ठीक है, एंटी परस्पायरेंट्स एंड डिओड्रेंट। ये क्या होते हैं फ्रेंड, इसका यूज करने से पसीने की जो दुर्गंध होती है वो खत्म हो जाती है, पसीना कम निकलता है। और जो बेसिकली पसीना दुर्गंध क्यों करता है फ्रेंड, क्योंकि जो पसीने होते हैं वो हमारी बॉडी में जैसे निकलते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में रहते हैं अटैक करते हैं, वो पसीने के साथ पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे बदबू आना शुरू हो जाती है। तो एंटी परस्पायरेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली पसीने को बदबू से क्यों इसलिए रोकते हैं कि वो बैक्टीरियाज को किल करते हैं, जिससे हमारे पसीने की बदबू ना आए। और डिओड्रेंट्स क्या होता है, जो पसीने को निकलने से रोकते हैं, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने से क्या होता है, उसको रोकते हैं, उसकी स्मेल को गंदा नहीं होने देते, जिससे हमारी बॉडी से स्मेल नहीं आता, बैड स्मेल नहीं आता, बैड ऑडर नहीं आता, और हमारी बॉडी से सुगंध आती रहती है, ठीक है। तो एंटीपरस्पायरेंट्स टू प्ले इनहिबिट द फ्लो ऑफ परस्पायरेशन, यानी एंटीपरस्पायरेंट्स क्या होता है, ऐसा कंपाउंड है जो पसीने के फ्लो को रोकता है। और डिओड्रेंट क्या होते हैं, बेसिकली ये बैड ऑडर को रोकते हैं, दोनों कॉम्बिनेशन अक्सर दिया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। इसमें बेसिकली एल्युमिनियम कार्बोहाइड्रेट का यूज किया जाता है।
ठीक है। अब एंटीस्पायरेंट का मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करता है, बेसिकली इसका लिखिएगा। तो जो एंटी परस्पायरेंट्स होते हैं बेसिकली इसमें क्या होते हैं कि एक हमारे एस्ट्रिंजेंट एजेंट होते हैं और क्या करते हैं कि जो स्किन के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उसके साथ वो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके स्किन के प्रोटीन को कोगुलेट कर देते हैं। और जब एक बार स्किन का प्रोटीन कोगुलेट हो गया तो वो ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लॉक हो जाता है तो पसीना जो पोर्स होते हैं वो पोर्स भर जाते हैं और पसीना बाहर निकलने से बच जाता है। ठीक है, आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इनकी, नॉन टॉक्सिक, वही नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, पीएच इसका 4.5-4.20 में होना चाहिए और इसका फैब्रिक्स पे कोई असर नहीं, कपड़ों पे कोई असर नहीं होना चाहिए और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज की बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अगला है शैम्पू। आप शैम्पू तो बहुत अच्छे जानते हैं, शैम्पू क्या होता है, जिसको हम लोग बालों में यूज करते हैं। ठीक है, हमारे बाल के शाइनी करने के लिए, बाल को खूबसूरत बनाने के लिए और बाल को साफ करने के लिए बेसिकली होता है शैम्पू। शैम्पू इज डिफाइंड एज द प्रिपरेशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स विच आर यूज टू रिमूव डर्ट, ग्रीसी डेब्रिजेस फ्रॉम द हेयर स्कैल्प एंड अदर पार्ट्स ऑफ द विदाउट अफेक्टिंग द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द हेयर। यानी कि एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे बालों में यूज किया जाते हैं, जो बेसिकली बालों से गंदगी, स्कैल्प और जो धूल के कण होते हैं उनको निकालने का काम करता है, बालों को ग्रीसी नेचर से बचाता है और थोड़ी सी उसकी शाइनी बनाता है। सर्दी हो गई फ्रेंड, सॉरी। इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू गिव फ्रेग्रेंट सॉफ्टनेस टू द हेयर। ये हमारे से थोड़ा सा बालों को सॉफ्टनेस देता है। ठीक है, और ये सोलूशन या लिक्विड या पेस्ट जेली के फॉर्म में आपको मिल जाता है मार्केट में। आइडियल प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए भाई, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट, भाई बालों को नुकसान ना हो, चेहरे पे कोई ऐसा ना हो कि सर पे फोड़े फुंसी होने लग जाए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रिमूविंग ग्रीस, ये हमारे बॉल हेयर से ग्रीस, ऑयल, डर्ट इन सबको निकालने में कैपेबल होना चाहिए। इसमें जो प्रोवाइड सर्फेस से फ्रेग्रेंस डालते हैं ताकि खुशबू अच्छी आती रहे। ये स्मॉल अमाउंट में भी काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए, पता चला कि एक लोटा निकाल लिया शैम्पू और काम ही नहीं कर रहा है, थोड़ा शैम्पू में काम करना चाहिए। ठीक है, और इसको वॉश करके आसानी से धुल सके, ऐसा नहीं एक बार लगा लिया तो छूट ही नहीं रहा है ना, रूम आसानी से रिमूव होना चाहिए। ये चीज़ें इसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ में है। ठीक है, अब शैम्पू कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड, यहाँ पे देख लीजिए उसके नेचर के हिसाब से, जेल है, सोप है, लिक्विड है, बेबी हेयर ऑयल है, किस रेट में आता है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। आगे बात करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ शैम्पू, किससे किससे मिलकर बना होता है। उसमें सबसे मेन होता है सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बालों से गंदगी को साफ करता है। अब इस सर्फेक्टेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक, पॉजिटिव चार्ज है तो कटायनिक, और अगर दोनों चार्ज है तो एम्फोटेरिक, और कोई चार्ज नहीं है तो नॉन आयनिक। यानी चार प्रकार के सर्फेक्टेंट होते हैं। अभी चारों को प्रकार लिखा है, चारों को एग्जाम्पल लिखे हैं, बस आपको नाम लिख के एग्जाम्पल लिखना है, खत्म काम। ठीक है, और क्या क्या मिलाया जाता है शैम्पू में सर्फेक्टेंट के अलावा, कंडीशनिंग एजेंट मिलाया जाता है, कंडीशनर होते हैं बेसिकली मिनरल ऑयल्स, ठीक है, थिकनिंग एजेंट डालते हैं, उसमें सीएमसी सोडियम स्टेरेट होता है, ओपेसिफायर डाला जाता है तो चिकनाहट दिखाता है, सिक्वेंस आप डालते हैं सिक्वेंसिंग एजेंट जो एडीटीए और प्रिजर्वेटिव। ये क्या होते हैं फिर देखिए, आपको शैम्पू के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए फ्रेंड शैम्पू में थोड़ा डिटेल लिख रहा हूँ, शैम्पू को आप आसानी से यहाँ से देख लीजिएगा। हेयर डाइज आप जानते हैं बालों को कलर करने के लिए क्या होते हैं, बाल कैसे कलर होते हैं, क्या होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टेम्परेरी आपका सेमी परमानेंट होता है, इसमें हम बालों पे कलर अप्लाई करते हैं और ये कुछ दिनों बाद ये कलर रिमूव हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग टेम्परेरी या सेमी परमानेंट बोलते हैं, कभी परमानेंट भी आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हिना है, क्रोमो जब आपके ये सब नेचुरल चीज़ों से मिलता है, तो तीन प्रकार के होते हैं, नेचुरल होते हैं, मेटैलिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, तीनों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। किस तरह से अगर भाई मेहंदी लगा रहे हो हिना तो ऑलरेडी नेचुरल है, मेटैलिक यूज कर रहे हो तो मेटैलिक है, बाकी ये होता है। ठीक है, और डेप्लिएटर्स क्या होते हैं फ्रेंड, हेयर रिमूवर आप जानते हैं ना, जिसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे वेट हो गया या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं मार्केट पे जिसको अप्लाई करने से वो हेयर को रिमूव करता है, तो ये भी एक तरह का कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है जो हमारे शरीर से गंदगी को साफ करने के लिए या हाइजीन के लिए यूज करते हैं, तो इनको बोला जाता है डेपिलेटोरीज। ठीक है, जो डेपिलेटोरीज है फ्रेंड ये कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से हम इसको हेयर को रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए तीन मेथड है, एपिलेशन, डेपिलेशन और इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, इसको आप देख लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये है, नहीं लेकिन सिलेबस में था जिसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें डाल दिया है, तो आप इसको देख लीजिएगा क्या फॉर्मूला होता है, कैसे बनाया जाता है, ऑलरेडी इसको अपने खुद से नोट्स आप बना सकते हैं आसानी से। ठीक है फ्रेंड, ये एंटी डैंड्रफ प्रिपरेशन क्या होते हैं आप देखिए, क्या होता है फ्रेंड डैंड्रफ क्या होता है आप जान लीजिए, क्योंकि हमारा जो स्किन है, जो हमारा खोपड़ी है जिसको स्कैल्प बोलते हैं, जो स्कैल्प है उसके ऊपर जो सेल्स है, वो सेल्स जो होती है वो जब डेड होती है तो वो निकलती हैं सफ़ेद सफ़ेद या ब्राउन कलर की, वो झड़ती रहती है, तो हमारे बालों से डैंड्रफ निकलता है, वो रूसी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस डैंड्रफ को रिमूव करने के लिए साफ करने के लिए जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं एंटी डैंड्रफ। तो आज जो खासकर होते हैं एंटी डैंड्रफ होते हैं वो शैम्पू के साथ मिले हुए आते हैं, आजकल अलग से नहीं आते, तो उनको एंटी डैंड्रफ शैम्पू बोलते हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या है, काम क्या है, ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं क्या क्या फॉर्मुलेशन होना चाहिए, सेलेनियम डाइसल्फेट होना चाहिए, स्टेबलाइजर होना चाहिए, सर्फेक्टेंट होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके शैम्पू एंटी डैंड्रफ में होना चाहिए। तो लास्ट वाले इस रगे मैंने बताया था, लगे क्या होता है आपको ये देख कुछ याद आ रहा होगा,
ठीक है, बॉक्स सा होता है, लड़कियां खोलती हैं, ब्रश से लगाती हैं, उसको लगाती है, कॉम्पैक्ट होता है ना, केक की तरह होता है पाउडर, उसको आप आसानी से ब्रश की सहायता से रब करके आप चेहरे पर लगा सकते हैं। वो रगेज होते हैं, तो रगेज आर अप्लाइड टू द चिक्स फॉर एनहांसिंग द फेस ब्यूटी, है ना, गालों पर लगाते हैं ताकि गाल खूबसूरत बने। इट इम्पार्ट्स रोजी फेयरनेस एंड और ब्यूटी के लिए होता है बेसिकली, जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड या क्रीम, तीनों फॉर्म में मिलते हैं बेसिकली। इसको आपने तो कहा फाउंडेशन का नाम शायद सुना हो आपने, है ना, फाउंडेशन टाइप का क्रीम और पाउडर होता है, ठीक है, थोड़ा सा खूबसूरती आपको कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सब चीज़ें वही है फ्रेंड, इसको देख लीजिएगा और कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या इसके फॉर्मूले हैं। टाइटेनियम पाउडर होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक स्टीरेट होता है, ये सब मिलक बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, सारे पाउडर को मिक्स करो और कन्वर्ट करो, आपका ये बन गया हमारा का पूरा का। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कॉस्मेटिक। चैप्टर नंबर 8 खत्म हो चुका है, चैप्टर नंबर 9 और 10 है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट है, स्टेलाइजेशन प्रोडक्ट है, ये दो चैप्टर में पढ़ा दूंगा तो आपका फार्मास्यूटिक्स पूरी तरह से हो जाएगा खत्म। और फार्मास्यूटिक्स के नोट्स ऑलरेडी आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं kclpharmacy.com पे। आप सबको फ्रेंड्स होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से एक बार एंजॉय कीजिए होली के लिए, सेफ होली खेलिए। आप कभी सौभाग्य रहा, कभी जीवन में रहा तो आपसे मिलूंगा, आपको रंग लगाऊंगा, आपके साथ होली खेलूंगा। अगर जीवन में रहा, मेरी बहुत कामनाएं आप सबसे मिलूं। तो फ्रेंड ठीक है फ्रेंड्स, फिर से गुड लक, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। थैंक यू सो मच।